हाँ, मेरा नाम डॉली विस्ट है और मैं चेरी एनिमल वेलफेयर की सदस्य हूँ। और यही हम लोग ग्रुप में मिलकर यही घायल जीवों की और भूखे जीवों के लिए सेवा करना ही हमारा काम है। कितने समय से कर रही हैं आप? मैं लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ इस ग्रुप से, लॉकडाउन के पहले से। एक बार ऐसा समय आया कि जब लगा लॉकडाउन में जीवों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जो बाहर होटलों पे और इस पे डिपेंड थे मार्केट में, तो उसी बीच मेरी विनय भैया से मुलाकात हुई और फिर मैंने सोचा कि मैंने उनसे बात करी कि मुझे फीडिंग करानी है। बट उस समय जो रूल्स थे कि हर किसी को परमिट नहीं था बाहर जाने का, तो फिर विनय भैया और हम लोगों ने मिलकर बाहर के जीवों को फीडिंग कराई और जो भी घायल थे उन्हें ट्रीटमेंट दिया। महिला है, कैसे आप ये जो ट्रीटमेंट होते हैं जानवरों को कैसे हैंडल करते हैं? सर देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मुझे नहीं लगता महिला या पुरुष होना कुछ स्पेशलिटी है, पर मतलब एक है, लगन में अगर रात में कोई घटना होती है, हाँ जी, तब आप कैसे करते हैं? देखिए, वैसे जितना हो सकता है मुझसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ पहुँचने की, पर कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप में और भी मेम्बर्स हैं, अगर हैंडल हो जाता है तो वो करते हैं, पर जब भी मेरी ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर पहुँचती हूँ। ज़्यादातर किस जानवर को आपने अभी तक हैंडल किया? अभी तक मैंने ज़्यादातर तो कुत्ते हैं जो स्ट्रीट वाले, गायें हैं, मैंने तो 2 जानवरों को ज़्यादा ही हैंडल किया है भैया लोग के साथ। माय फ्रेंड्स, मैं संजय यादव, CAW ग्रुप का एक वॉलंटियर। हम लोग इस ग्रुप के साथ करीब 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया है उसके लिए हमारे पास वॉलेंटियर्स की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए इतना हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे टीम ग्रुप का युवाओं का जोश देखकर हम लोग वॉलेंटियर्स भी बढ़ा रहे हैं। प्लस इसके साथ ही हम लोग आजकल लंगर का भी, मतलब हम लोगों ने 3 अक्टूबर से हमारे जो CAW ग्रुप है उसने लंगर का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। किस तरह का लंगर? जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, गाय हैं जो आवारा, उनके फीडिंग का काम, फीडिंग का हो गया, जैसे गाय डॉग्स के लिए पेडिग्री वगैरह हो गया जो कि हमें गौरव एनिमल केयर से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, या फिर लोगों किसी ने हमें चावल दे दिया, दूध दे दिया, ब्रेड दे दिया, इस तरह के लंगर हम लोग, मतलब जैसे स्ट्रीट डॉग जो भी हैं हर मतलब मोहल्ले में जा जा के सब स्ट्रीट डॉग्स को अवेलेबल करवा रहा है। ये हम चाहते हैं कि सभी मोहल्लेवासी थोड़ा थोड़ा अपने जो भी आसपास जो आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं, उनको वो दे खुद ही दें, जिससे ये भूखे ना रहें। सर मेरा नाम विनय सिंह है, मैं बेसिकली रायबली में रहता हूँ, ITI कॉलोनी में। हम लोग जो है सर CAW के तहत काम कर रहे हैं, चेरी एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूँ। जो भी जानवर यहाँ पर रोड पर घायल होते हैं, एक्सीडेंटल हैं, तो उसको हम लोग 24/7 सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मतलब उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको शेल्टर लेके जाना है, तो शेल्टर लेने के लिए हमको जरूरत पड़ती है साधन की, इसमें हम लोग लोगों के सहयोग से हमें साधन पहुँचा लेते हैं हम लोग उसको। फिर वहाँ पर होती जरूरत होती है, पहली नीड आती है ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो हमारे यहाँ के जो हरचंदपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमाकांत, वो सहयोग करते हैं पूरा हमको, तो सरकारी डॉक्टर हैं। प्लस उसके बाद फिर जो रायबली सरकारी डॉक्टर है, डॉक्टर एजाज है, डिप्टी CBO डॉक्टर अशोक दुबे, और CBO अपने डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह, पूरा सहयोग इनका। फिर प्राइवेट में जो डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, गौरव एनिमल केयर, ये पूरा हमें पूरा सर्जरी का पूरा काम यही देखते हैं हमारे यहाँ सारा। बाकी फिर बाहर के डॉक्टर अलग हम लोग कर रखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, वो पूरा सपोर्ट है। बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या टीम के मेंबर्स हैं, वो पूरा हम लोग को सूचना देते हैं, और मतलब रात बिरात कभी जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा हाजिर रहते हैं कि कभी हमको जरूरत पड़ी एकदम ले जाने कहीं जानवर को, किसी भी एनिमल को ले जाने के लिए, तो तुरंत हाजिर होते हैं ये लोग हमारे साथ। कितने वॉलंटियर हैं आपके साथ में? सर रायबली में हमारे साथ रायबली के अंदर लगभग आसपास के एरिया लेके 80 के आसपास हैं वॉलंटियर। कितने हैं? 80। कितने और पूरे आप बता रहे थे अभी? हाँ सर, ऑल इंडिया स्टेट में अगर हम देखेंगे तो लगभग 180 के आसपास हैं, जिसमें हम जबलपुर में काम कर रहे हैं वॉलंटियर के साथ, ग्वालियर में एक एनजीओ का टाइप है उसमें काम कर रहे हैं, रिसेंटली बनारस में भी एक हमें टाइप किया वहाँ भी है, सुल्तानपुर है, अमेठी है हमारे साथ, और अभी दिल्ली में कभी एक एनजीओ से हो रही है बात, लगभग वो भी तैयार है, वहाँ के जो NCR के होंगे वो दिल्ली के NGO देखेगी हमारे साथ, और अभी 2-3 स्टेट में और बात चल रही है कि जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी तो जो हम लोग प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कि किसी भी एनिमल में अगर कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो सूचना मेरे पास आती है, अलग ऑल इंडिया से आ रही है, तो हम लोग वहाँ पर उसको सुविधा प्रोवाइड करते हैं।